हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और यूपीएससी सीसेट की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग एक इजी टॉपिक है और काफ़ी क्लासेस में इस पर ले चुकी हूँ आप लोगों की। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी ने साथ साथ सोल्व करना है और फिर देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। उससे पहले सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से शेयर कर देंगे सभी। हाँ जी, वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी सी सेट के क्लास के लिए अभिपीडिया एक कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लेके आया है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्लियरिंग सेशंस भी हैं इसके अंदर। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस हैं। इसके अलावा आपको मिल रहे एमसीक्यूज, 3000 प्लस एमसीक्यूज इसके अंदर मिल रहे हैं। तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना, ज्वाइन करना है, एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो सभी जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, सभी ने इसको ज्वाइन कर रहा है, जल्दी से सभी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? इन ए सर्टेन कोड आर ओ ए आर इज रिटन एज यू आर डी यू। रोर को क्या लिख रहा है? उर्दू लिख रहा है, ठीक है। हाउ इज उर्दू रिटन इन दिस कोड? तो अब देखिए, यूपीएससी का अगर आपने पेपर देखा है तो आप ये देखो कि टफ नहीं आते क्वेश्चंस, हाँ ट्रिकी होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अब यहां पे भी देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कोड है, रोर का कोड क्या है? उर्दू। तो उर्दू का कोड क्या होगा? तो अभी हमारे माइंड में सीधा क्या आता है कि रोर का उर्दू है तो उर्दू का रोर होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, एक होता है कोडिंग, एक होती है डिकोडिंग। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर पॉइंट क्लियर है तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। देखिए, एक होता है बेटा कोडिंग, सेकंड वन थिंग इज डीकोडिंग। ओके, अब यहां पे क्या कह रहा है, रोर का कोड क्या है? उर्दू। तो ये क्या होगी आपके पास में? कोडिंग होगी, है कि भाई रोर जो है उसको क्या लिख रहा है, वो उर्दू लिख रहा है। डन। अब अगर मैं कहती हूं कि इसको डिकोड करो, डिकोडिंग, डिकोडिंग मींस कि कोड को एक्चुअल लैंग्वेज में, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, कोडिंग मींस दिस इज एक्चुअल एक्चुअल वर्ड एंड दिस इज द कोड फॉर दैट वर्ड, दिस इज द एक्चुअल वर्ड, दिस इज द कोड फॉर दैट वर्ड। ओके, अब अगर मान लो अपने पास में है डिकोडिंग, डिकोडिंग मीन्स व्हाट? डिकोडिंग मीन्स आई वॉन्ट द एक्चुअल वर्ड फॉर द गिवन कोड। ओके, तो डिकोडिंग का मीनिंग क्या हो गया, मुझे यहां से ये वापिस चाहिए। डन। तो अगर मेरे पास होता कि इसका एक्चुअल वर्ड क्या होगा, या फिर व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड उर्दू, इन दैट केस आंसर क्या आता आपका, सीधा रोर आंसर आ जाता। बट यहां पे ऐसा नहीं है, उसने कहा क्या, देन हाउ इज उर्दू रिटन इन दिस कोड, मींस इसके लिए भी आपको क्या करना है, कोड फाइंड आउट करना है। पॉइंट इज क्लियर। कोडिंग मींस एक्चुअल टू कन्वर्ट इन द कोड एंड डिकोडिंग मींस टू कन्वर्ट द कोड इन द एक्चुअल वर्ड। ओके, सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन, क्या है यहां पे हमारे पास में कि रोर को क्या लिख रहा है, वो रोर को लिख रहा है बेटा उर्दू, उर्दू। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि लॉजिक क्या लगा, सबसे पहले देखना लॉजिक। लॉजिक यहां पे देखिए, ओ आर इज एट 18th पोजीशन, ठीक है, ओ इज एट 15th, फर्स्ट एंड 18th, दिस इज एट 21st, 18, 4 एंड 21। हियर वी कैन सी क्या हो रहा है, हर बार प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कोड क्या लग रहा है, हर बार प्लस 3 हो रहा है। तो सेम वे वी विल अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन द कोड। क्या है यहां पे, हमें पता है दिस इज 21, 18, 4 एंड 21, प्लस 3 करेंगे, प्लस 3 क्या कितना आ गया, 24, एंड एट द 24th पोजीशन वी हैव एक्स, सो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस 3, 21, 21 पे क्या होता है यू, प्लस 3, प्लस 3 दैट मींस कि 7, 7th पोजीशन पे क्या होता है अपने पास जी, प्लस 3 दैट मींस अगेन 24, 24th पोजीशन पे क्या है अपने पास, एक्स। सो दिस विल बी द कोड फॉर उर्दू, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
क्लियर है? अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ जी, लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए, जितनी शेयरिंग होगी उतने ही लेक्चर्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन, ठीक है, उतने ही यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या, इन ए सर्टेन कोड फ्रोजन इज रिटन एज ओ एफ ए पी जी पी एस जी, देन हाउ वुड मोल्टन बी रिटन इन दैट कोड। मोल्टन को क्या लिखेंगे, जल्दी से सोल्व करिए। हाँ जी, अभी मैंने क्या कहा, अपने खुद की टेस्टिंग खुद से करनी है। देखो कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन कर पा रहे हो। फर्स्ट जिनका ठीक था साइड में अपना एक मार्क कर लो कि हाँ जी एक नंबर आ गया मेरा, जल्दी से। हाँ जी, क्या है, फ्रोजन इज रिटन एज ओ एफ ए पी एस जी। लॉजिक देखते हैं क्या है फ्रोजन। अगर किसी को टाइम लग रहा है कि हाँ जी अभी मुझे टाइम लग रहा है मैडम सॉल्यूशन बता रहे, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन चेक द आंसर। ओके, यस, क्या है आपके पास में, ओ एफ ए पी एस जी। ओके, तो यहां से देखो क्या हो रहा है। हाँ जी, देखिए लॉजिक मिला, कुछ आ रहा कुछ माइंड में। अब यहां पे देखो, अगर मैं नियर बाई लेटर्स देखती हूँ, नियर बाई लेटर्स देखती हूँ, तो एफ और ओ, आर और एफ, इनके बीच में तो गैप का सेम डिप गैप आ ही नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर लॉजिक माइंड में ना आए तो नंबरिंग लिख लिया अगर, उससे लॉजिक इजिली माइंड में आ जाता है, ठीक है। वैसे तो अभी मैं डायरेक्टली इसका लॉजिक बता दूंगी कि हाँ जी ठीक है, क्रॉस करो, आ गया आंसर, हिंट मिल गया आपको, है ना, चलो कोई बात नहीं। बट अगर लॉजिक नहीं मिल रहा है, इन दैट केस क्या करोगे, आप क्या करोगे, नंबरिंग लिख लिया करो ऊपर। नंबरिंग लिखेंगे, देखो ये कितने पे है, 6th, 18th, 15th, 26th, 5th and n is at 14th position। ओके, 15th, 6th, 1st, 16th, दिस इज 19th and 17th। अब देखो, अब पता चल रहा है 14, 15, 5, 6, 26 के बाद नेक्स्ट आएगा 1, 15, 16, 18, 19, 6, 7। नाउ इट बिकम इजी, क्या हुआ कि क्रॉस कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, प्लस वन कर रहा है, क्रॉस कर रहा है साथ में प्लस वन कर रहा है। अब इसके लिए अगर उलझन होती है आप लोगों को तो क्या कर सकते हो, क्या करो, उसको अपोजिट लिख लिया करो, या ऐसा भी तो कह सकते हैं इस फ्रोजन को हमने अपोजिट लिख लिया, इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या बन गया, एन ई जेड ओ आर एफ, और अब इससे नेक्स्ट नेक्स्ट है एन ओ ई एफ जेड ए ओ पी आर एस एंड जी। देखो सेम कोड है, सेम कोड है, क्लियर, आई होप लॉजिक सभी को क्लियर हो गया। तो जल्दी से अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर क्या आएगा, मोल्टन के लिए कोड बताना है आपको, मोल्टन, मोल्टन को अपोजिट कर लो, क्या आ गया, एन ई टी एल ओ एम, एन ई टी एल ओ एम, ठीक है। अब हमने क्या कर रहा है, इसका नेक्स्ट लेटर उठा लो, एन ओ ई एफ टी यू एल एम एन ओ पी एम एन, क्या बन गया आपके पास में, ओ एफ एम एन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई भी डाउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जरूरी नहीं है कि इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या, 330B6A32C45D12, अब इसका आंसर बताओ। अब यहाँ पे साथ में ही उसने मेंशन किया है, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, दिस इज देयर शुड बी सम कोड फॉर बी सी डी ई एफ बी सी डी, इनके लिए कुछ कोड होना चाहिए बेटा, कोड इसमें है नहीं, कुछ मिसिंग है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। चलो हम अपनी तरफ से सोल्व करते हैं, एक ऑप्शन और ले लेते हैं नन, क्योंकि हम अभी जब ऑप्शंस अपनी तरफ से ले रहे हैं दैट मीन्स कि एक नन की ऑप्शन भी साथ में कंसीडर करके चलते हैं। ओके, अब देखो मैं कहती हूँ कि भी बी है, बी मीन्स प्लस, ओके, ए मीन्स माइनस, सी मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड डी मीन्स ट्वेल्व, सॉरी डी मीन्स डिविजन। ओके, टाइपिंग के अंदर बेटा एक लाइन मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करो। मैं कह रही हूं कि हाँ जी ये इनके लिए आपके अर्थमेटिक सिंबल्स गिवन है, तो अब आप बताओ क्या आंसर आएगा। चलो करते हैं, क्या करेंगे, अब इसका मीनिंग क्या है कि जो जो यहां पे
लेटर्स गिवन है, इसके लिए जो भी पर्टिकुलर कोड गिवन है आपको उसको पुट करना है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर कोडिंग रिकोडिंग। तो इसके अंदर देखिए क्या है, 330। अब बी का कोड क्या है, प्लस, सो हम क्या लिखेंगे, प्लस 6। ए का कोड क्या है, माइनस, हम लिखेंगे माइनस। सी का कोड क्या है, मल्टीप्लीकेशन, हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन। एंड डी का कोड क्या है, डिवीजन, हम लिखेंगे डिवीजन। ओके, अब यहां पे देखिए अपने पास में क्या बनेगा, ये देखिए। पहले, सबसे पहले जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप क्या अप्लाई करोगे, हाँ जी क्या अप्लाई करेंगे, वी बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। ओके, सिंपल। तो अब यहाँ पे वी बोर्ड मास अगर हम अप्लाई करें तो पहले डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। एक और बात, अगर बेटा डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन इकट्ठे आ रहे हैं तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे यही है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 12। इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अदरवाइज अभी क्या करते हैं आप, पहले 45 को 12 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको क्या करोगे, 32 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में अब वैल्यूज क्या आ गई है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका 3 से, क्लियर। कैसे सॉल्व किया हमने इसको, इसको सॉल्व किया हमने, क्या किया हमने, 32 × 45 डिवाइडेड बाई 12। ओके, जब ऐसे लिखेंगे तो जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर दो। देखो 3 से कैंसिल आउट हो गया 15, 3 से यानी 4, 4 से हो गया 8, 15, 8, 120, 120 आ गया। ठीक है, तो इस पोर्शन का क्या आ गया आपके पास में, 120 कितना बन जाएगा, 330 प्लस 6 माइनस 120। ओके, कितना बन गया, 336 माइनस 120, सो योर आंसर विल बी 6, 1 and 2। कितना बन गया, 216। सो none of these will be the correct answer। अब यहाँ पे none of these क्यों आया, because बेटा जो इनकी coding थी वो कुछ और होगी maybe, ठीक है। तो हमने किसके according solve किया, इसके according solve किया। बताइए कोई इसके अंदर doubt, कोई इसके अंदर किसी को भी doubt आ रहा हो minor सा। Okay, so let us move to the next one। Answer आ जाएगा बेटा none। Okay, next देखिए, next है आपके पास, इफ हैट इज कोडेड एज जेसीबी, हैट इज कोडेड एज जेसीबी। हाँ जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। देखिए अभी क्या है अपने पास क्वेश्चन, हैट को क्या लिख रहा है, जेसीबी, देन व्हाट विल बी गन बी कोडेड एज, तो गन को क्या लिखेंगे। अब स्मॉल में है, दैट मीन्स कि स्मॉल में ही कोड आएगा। तो यहां पे देखिए क्या आ रहा है बेटा, हैट, हैट को क्या लिख रहा है वो, जे सी वी। अब है तो स्मॉल में बट है तो न्यूमेरिक ही। अब यहां पे चेक करो, 8th पोजीशन पे दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन, दिस इज एट 20th पोजीशन। ओके, 10th पोजीशन, 3rd पोजीशन एंड 22। क्या हो रहा है, सिंपल है, हर बार क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। सेम हमने वही करना है, दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एच आई स्किप हुआ, जे आ गया, ए बी स्किप हुआ, सी आ गया, टी यू स्किप हुआ, बी आ गया। हर एक का एक अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, जिसको जैसे इजी लगता है वैसे कर सकते हो। ओके, तो अब जैसे ये इजी क्वेश्चन था, तो हर एक बार क्या हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है, तो गन का कोड क्या हो जाएगा, जी, जी को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, जी, जी इज एट 7th पोजिशन, 2 ऐड करेंगे 9th, 9th पोजिशन पे अपने पास में क्या होता है, हाँ जी आई, क्या आ गया आपके पास में आई, बट आई किस में लेंगे बेटा, स्मॉल में लेंगे। आई किस में लेंगे हम, स्मॉल में लेंगे। ओके, यू वी डब्ल्यू एन ओ पी, सो योर आंसर विल बी आई डब्ल्यू पी, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज इफ गो इज इक्वल टू 32, she is equal to 49, then sum will be equal to what? अब go के लिए एक नंबर मुझे गिवन है क्या, 32। तो अब मुझे ये देखना है कि go से 32 कैसे बना। इसी तरह से she से क्या बन रहा है आपके पास में, 49। अब जब भी नंबरों वाले क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, या तो आप चेक करो कि जो पर्टिकुलर आपको वर्ड गिवन है जिसके लिए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास में उससे पर्टिकुलर रिलेटेड नंबर है हमारे पास, वो सारे के सारे लेटर्स मेरे पास में हैं, तो वो डायरेक्ट कोडिंग हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि
अगर मेरे पास में यहाँ पे दो लेटर है, दो नंबर है, यहाँ पे थ्री लेटर्स है, टू नंबर्स है, जैसे मुझे इस तरह का नंबर मिला, इस तरह का कोड मिला, तो मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस कर रखे, कुछ ना कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया हुआ है. ओके, तो अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि भाई क्या हो रहा है, तीन अक्षर है और उसके लिए नंबर की डिजिट्स कितनी है, टू. दैट मीन्स की ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है. अब वो कैसे होगा, ऑब्वियसली उनकी डिजिट्स पे काम होता है. ठीक है, अब अगर मैं डिजिट्स देखूं तो जी इज एट सेवंथ पोजीशन एंड ओ इज एट 15th पोजीशन, तो कितना बन गया, 22. दैट मींस 32 तो नहीं बन रहा. अब इसका ऑपोजिट लेंगे, दो ही तरीके बेटा, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा, या कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा. अब यहां से अगर मैं देखूं तो 22 का ये मल्टीपल भी नहीं है 32 की, भाई चलो मल्टीपल ले लेते. अब इसका अपोजिट जाओ, अगर हम इसका अपोजिट जाते हैं तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी. या फिर ऐसा कर सकते हो, जो आपको नंबर मिल गया ना, अपोजिट नंबर कैसे लेते होते हैं, 27 में से माइनस कर लिया करो. अगर मैं इसका अपोजिट देखूं तो जी का अपोजिट कितना आ जाएगा, 20. ओ इसका भी 27 से माइनस करेंगे, कितना आ गया आपके पास में, 12. और जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना बन रहा है, 32. यही तो यहां पे है, मतलब कि हमारा तो सेम आ गया. तो हमें क्या पता चला, क्या हो रहा है, अपोजिट अपोजिट पोजिशन को ऐड कर रहा है वो. ठीक है, सेम यू कैन चेक हियर, कितना बनेगा, 49. अब सेम हमने कहां पे अप्लाई करना है, अपने क्वेश्चन पे. क्या लिखा हुआ हमारे पास, सम. अब इनके अपोजिट लेटर्स उठाने अपने. ठीक है, अपोजिट एच, एस का क्या होगा, एच. एच कौन सी पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे. अपोजिट उठा रहे बेटा मैं, ठीक है. ओ, ओ का अपोजिट L, L इज एट 12th पोजीशन. M, M का अपोजिट N, N की पोजीशन 14th. E, E का अपोजिट V, एंड V इज एट 22nd पोजीशन. सभी का टोटल करो, आगे आंसर देखो, ये हो गया बेटा 20, 20 एंड 30, 30, 34, 34, 54, 56. कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. डन, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं कि हमने 8, 12 कहां से है, अपोजिट है बेटा. ठीक है, अब देखो ये है H, आएगा इसका, इसका आएगा अपना L, इसका बनेगा N और इसका बनेगा अपने पास में V. इन्हीं की नंबरिंग लेंगे. डन, नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, जेड का नंबर क्या कह रहा है, 52, एंड एक्ट के लिए क्या कह रहा है, 48. देन बैट के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, जेड के लिए 52 कह रहा है, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर के लिए डायरेक्ट नंबर तो यूज हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रही. बट मुझे पता है कि जो जेड है, जेड की पोजीशन क्या है, जेड की अगर मैं फॉरवर्ड पोजीशन देखती हूँ, दिस इज 26. अगर हम बैकवर्ड पोजीशन देखते हैं, देन फर्स्ट, दैट मीन्स कि कहीं से भी 52 नहीं बन रहा. बट मुझे क्या चाहिए, ये क्या कह रहा है, 52. दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 52 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा. तो हमने लॉजिक ये लगाया. अब हम देखते हैं दूसरे वाले पे भी सेम लॉजिक यूज हो रहा है, जो इसने मुझे दिया है कोड, क्या दिया है, एक्ट. अगर हम देखते हैं एक्ट, एक्ट ए इज फर्स्ट पोजीशन, सी इज थर्ड पोजीशन, एंड टी इज एट 20th पोजीशन, कितना बन गया, 24. अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 48. अगेन दिस इज 48. ओके, सेम वी विल अप्लाई ऑन बैट. बैट 2 प्लस 1 प्लस 20, कितना बन गया आपके पास, 23. एंड 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46. सो आंसर विल बी 46. कितना आ गया, 46 विल बी द करेक्ट आंसर. 2020 में आया हुआ था ना, कैलकुलेशन पे बेस्ड. ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A 2B 7C मींस ट्रूथ इज एटर्नल. 7C, 9A, 8B, 3A means Almighty is not eternal. And 6A, 4D, 2B, 8B means truth does not perish. अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और एक पर्टिकुलर किसी भी वर्ड के लिए आपसे कोड पूछा जाए, इन दैट केस ये चेक करेंगे कि या तो वो जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें कॉमन हो या वो नहीं है. ओके, अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा, एनमाइटी का कोड फाइंड आउट करो. अब हम आएंगे कि एनमाइटी कहाँ पे है, यहाँ पे. अब देखो कि कहीं और है,
नहीं है। अगर नहीं है उस केस में ये चेक करो कि जो बाकी है उससे कैंसिल आउट हो, बाकी को कैंसिल आउट करोगे एनमाइटी मिल जाएगा। अब देखो जैसे यही है, इज एटर्नल, इज एटर्नल इसमें है, दैट मीन्स कि इज एटर्नल का कोड इन दोनों में कॉमन होगा, कॉमन होगा, दैट मीन्स इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3A कॉमन है और 7C कॉमन है, दैट मीन्स कि ये दोनों कोड नहीं हो सकते, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो नोट दो, इन दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स कि नोट का कोड इन दोनों में होगा। अब देखो 8B इसमें भी है, इसमें भी है, ओके, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग है नोट का कोड क्या हो गया हमारे पास में 8B, बच गया क्या मेरे पास में एनमाइटी, एनमाइटी के लिए 9A, सो आंसर विल बी 9A। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ होम, व्हाट इज द कोड ऑफ होम। अब यहाँ पे बट क्वेश्चन ये नहीं है कि कोड, यहाँ पे कुछ और ही पूछा है, क्योंकि जैसे कि क्या है देखते हैं, कह रहा है 134 मीन्स यू आर वेल, 758 मीन्स दे गो होम, 839 मीन्स वी आर होम, ओके, विच स्टेटमेंट कैन बी डिस्पेंस्ड विद व्हाइल आंसरिंग द अबव क्वेश्चन। कह रहा है इसका आंसर करते टाइम हमें कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसको हम स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए होम का कोड फाइंड आउट करना है बेटा। अब होम देखो कहाँ कहाँ पे है, होम हमारे पास में यहाँ पे है और होम हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम होम का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स हमने ये देखना है कि एक ऐसा कोड जो कि दोनों में है। अब दोनों में क्या है, 8 बेटा यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए एक बार बता रही हूँ। दैट मीन्स कि इन दोनों से मुझे कोड क्या मिल गया, होम का 8 मिल गया, इसकी जरूरत पड़ी, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए, मीन्स ए एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप डिस्पेंस कर सकते, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नोटबुक इज कोडेड एज रेगोलिन एंड शर्ट इज एक्स वाई जेड बीजी देन टोर्न इज कोडेड एज। हाँ जी देखिए सभी, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि नोटबुक का भी कोड मेरे पास गिवन है, ठीक है, और शर्ट का भी कोड गिवन है। दूसरा पॉइंट, जो पर्टिकुलर लेटर्स हैं उनके लिए कोड क्या है। अब जैसे डबल ओ है, डबल ओ के लिए डबल ई बन गया अपने पास में, अगर हम प्लस माइनस करके देखें तो हमारे पास में कुछ बन नहीं रहा है इस तरह का, यहाँ पे भी ओ का कोड ई है। इस तरह से हमें यहाँ पे एक पॉइंट और देखने को मिल रहा है, क्या जब भी इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन आता है कि हाँ जी काफी सारे लेटर्स के लिए मेरे पास कोड अवेलेबल है और जो मुझसे पूछा गया वो सारे के सारे लेटर्स वहां पे है, तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट पुट कर दो, कुछ नहीं है, क्या है टी ओ आर एन, इसका कोड मुझे चाहिए और मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, नोटबुक, नोटबुक के लिए मेरे पास कोड क्या है, आर ई जी ओ एल डबल ई एन, और दूसरा क्या है शर्ट, एस एच आई आर टी, एंड इसके लिए आपके पास कोड है एक्स वाई जेड बी जी, ओके, दैट मीन्स कि इसका कोड कौन सा ये है। अब देखो टी चाहिए मुझे, अब टी के लिए कोड कौन सा हो गया, जी के लिए हो गया जी, देन सेम वे ओ के लिए मुझे कोड चाहिए, ओ के लिए कोड कौन सा है, आर, आर के लिए कोड कौन सा आपके पास, बी, एन, एन के लिए कोड क्या है, आर, ओके, तो क्या बन गया आपके पास, जी ई बी आर, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो ये क्या हो गया आपके पास डायरेक्ट गिवन है, बट हम एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, जब भी हमें ये लगे कि काफी सारे लेटर्स के लिए कोड गिवन है और हमें लॉजिक नहीं मिल रहा, तो उस केस में ये देखो क्या मेरे जितने भी लेटर्स क्वेश्चन में है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो सारे के सारे लेटर्स मेरे का कोड मेरे पास है, उस केस में क्या करोगे, डायरेक्टली पुट कर दो, क्या करोगे, डायरेक्टली पुट कर दोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, एक बार देखो हाँ जी लॉजिक मिल रहा है, नहीं लॉजिक मिल रहा है, डायरेक्टली पुट कर दो, ओके। नेक्स्ट देखिए, कह रहा इफ वॉल इज कॉल्ड एज विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, देन रूफ इज कॉल्ड वेंटिलेटर, व्हाट इज द पर्सन स्टैंड ऑन। एक पर्सन किस पे खड़ा होता है, हाँ जी किस पे खड़ा होता है बताइए, फ्लोर पे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है ना, ही उसको बार बार रीड करने की जरूरत है,
सीधा करना क्या है, ये देखो कि क्वेश्चन क्या, व्हाट विल ए पर्सन स्टैंड ऑन, अब अपना माइंड लगाओ, व्हाट विल ए पर्सन स्टैंड ऑन, फ्लोर, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा फ्लोर को क्या कह रहा है, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, दैट मीन्स योर आंसर विल बी रूफ, सिंपल, ओके। नेक्स्ट देखिए, मिलिट्री कैन बी रिटन एज 1 2 3 2 4 5 6 7, क्या कह रहा है, मिलिट्री के लिए कोड है 1 2 3 2 4 5 6 7, देन हाउ कैन TIMLI टिमली बी रिटर्न इन दैट कोड। अब यहाँ पे देखो सीधा कोड है 1 2 3, मीन्स कुछ भी उठा के रखा हुआ है, बट ध्यान दो कि यहाँ पे जो सेम लेटर्स है उनके लिए कोड सेम है। देखो मिलिट्री के लिए क्या कह रहा है, 1 2 3 2 4 5 6 7, ये है, ओके। अब यहाँ पे हमने देखा आई के लिए क्या है, दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। टी, एक मिनट दोबारा से चेक करो, लिखने में कहीं ना कहीं मैंने कुछ लिखा है, देखो मिलिट्री MILITARY कोड क्या है, 1 2 3 1 2 3, देन 2 4 5 6 एंड 7, ओके, दिस इज द कोड। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि सभी के लिए सेम चल रहा है कोड, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब उसने कहा किसका कोड बताना है, टिमली का कोड बताना है। अब क्या करोगे, एज इट इज ही उठाना, हमें पता है कि आई दो जगह पे आ रहा है, दोनों जगह पे सेम कोड आ रहा है। अब टी देखो कहां पे, टी ये है, टी के लिए क्या बन रहा है फिर 4, आई के लिए क्या बन रहा है 2, एम के लिए 1, एल के लिए 3 और आई के लिए क्या था बेटा 2, दिस विल बी द कोड 4 2 1 3 2, 4 2 1 3 2, 4 2 1 3 2, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, अब मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने भी अभी तक फ्री ट्रायल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। तो सभी ने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इसके अलावा टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी पेज, फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सभी ने उसको ज्वाइन करना है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।